जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्रैश डाइटिंग करनी पड़ती है, अपनी पसंद का सारा खाना छोड़ना पड़ता है, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल से कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, पूरे दिन का एक ऐसा डाइट प्लान बताने वाली हूँ जिसको आप इजीली फॉलो कर लेंगे, आपको पसंद का अपने कुछ भी खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और विद इन 7 डेज ड्रास्टिक रिजल्ट्स आपको इस पूरे डाइट प्लान के मिल जाएंगे। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक स्टेप को समझिए। अगर आप एक भी स्टेप स्किप कर देंगे, एक भी चीज को स्किप कर देंगे तो आपको हो सकता है कि ये डाइट प्लान फॉलो करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए। तो आपको सारी चीज समझनी है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डाइट प्लान शुरू करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें फॉलो करनी है, पहले मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये 7 दिन तक जो आप डाइट प्लान फॉलो करेंगे इसमें आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है दैट इज आपका पानी का इंटेक। आपका पानी आप 3 से 4 लीटर जरूर लीजिए और पूरा दिन आपको गर्म पानी पीना है। गर्म का मतलब ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल चाय की तरह वाला गर्म पीना है और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल हल्का गुनगुना पीना है, बल्कि आपको इतना गर्म पानी पीना है जो आपके गले में हल्का हल्का सेक लगाता हुआ जाए, इतना गर्म पानी आपको पूरा दिन पीना है। दूसरा, अपने डाइट में आपको 2 बार डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। चाहे आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप जीरे का पानी पी सकते हैं, या इसको मिक्स करके आप पानी बना के पी सकते हैं, या मेरे चैनल पे भी डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपी है, आप उस डिटॉक्स ड्रिंक को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस ड्रिंक को एक बार बनाइए और फिर दोनों टाइम में पी लीजिए, बना के रख लीजिए, अगली बार जब पीना होगा तो फिर से गर्म करके आप पी लीजिए। तो आपको डिटॉक्स ड्रिंक अपनी डाइट में डेली ऐड करना है अगले 1 हफ्ते तक। अगर आपको डिटॉक्स ड्रिंक नहीं सूट करता है या आप नहीं पी सकते हैं तो आप सिंपल गर्म पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है दैट इज शुगर। चीनी आपको पूरी तरीके से अपनी डाइट में से कट करनी है। चीनी के अल्टरनेटिव मैं आपको आगे बताती रहूंगी कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अब बात करते हैं डाइट प्लान की। सबसे पहले जो दिन की शुरुआत करनी है वो आपको गर्म पानी के साथ में करनी है, 1 ग्लास या तो 2 ग्लास, जितने में भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपने आज तक गर्म पानी नहीं पिया है सुबह उठ के तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत हो 2 ग्लास गर्म पानी पीने में, तो कोई बात नहीं, आप 1 गिलास के साथ में स्टार्ट कीजिए। सुबह सुबह उठ के आपको पानी पी लेना है। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बताने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए, आपका जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है वो आपका ट्राइंगल शेप में डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल होता है ना, इस तरीके से आपको आपका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जो डिजाइन करना है। जैसे कि ये पार्ट आपका ब्रेकफास्ट हो गया, ये वाला आपका लंच हो गया और ये वाला आपका डिनर हो गया। यानी कि जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें आपकी प्लेट का साइज बड़ा रहेगा, जो आपका लंच है उसमें आपकी प्लेट का साइज ब्रेकफास्ट के कंपैरेटिवली छोटा रहेगा और डिनर वाली जो प्लेट होगी उसका साइज सबसे छोटा रहेगा। क्या क्या खाना है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो ब्रेकफास्ट है इसमें आप कुछ भी खाना खा सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। ऐसे मैं आपको फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि यही खाना है या यही नहीं खाना है। अगर आप ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी खाते हैं, दही से रोटी खाते हैं, तो डेफिनेटली आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ध्यान रखना है आपको क्वांटिटी का। आपका जो क्वांटिटी है, रोटी अगर आप खा रहे हैं तो आप 2 रोटी खा सकते हैं, इडली अगर आप खा रहे हैं तो आप 2 इडली खा सकते हैं, चिल्ले अगर आप खा रहे हैं तो आप 2 चिल्ले ले लीजिए, उपमा या पोहा अगर आप खा रहे हैं तो आप 1 कटोरी उपमा या पोहा ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी आप अभी तक खा रहे थे आप वही खाइए, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जरूरत से कम खाना खाते हैं, इस वजह से भी मोटे हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि कम खाना खाने के कितने नुकसान होते हैं, किस तरीके से हमारा शरीर फूलता है। तो अभी बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आपको ये क्वांटिटी का ध्यान रखना है, जितना मैं बता रही हूँ आपको उतना ही क्वांटिटी लेना है, उससे ज्यादा या कम आपको नहीं करना है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट है हमारी चाय। तो देखिए, चाय आप चाहें तो बिल्कुल पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन आपको उसमें शुगर का बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि शुगर हमें पूरी तरीके से इस डाइट प्लान में अगले 1 हफ्ते के लिए सिर्फ छोड़ देना है। तो चाय आपको पूरी तरीके से स्किप करनी है, या तो आप बिना शुगर वाली ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट में आप दही खाएं या छाछ पिए। आप कुछ लोग बोलेंगे सर्दी का मौसम है तो दही नुकसान देता है, तो देखिए दही नुकसान आपको तब देता है जब आप ठंडा दही खाते हैं। अगर आप ताजा दही खाते हैं तो वो आपको फायदा देता है, क्योंकि जो दही होती है इसमें विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और सर्दियों में जो खांसी जुकाम होता है इसकी दिक्कत को कम करता है। तो दही का इस्तेमाल आप अपने ब्रेकफास्ट में कीजिए, बहुत फायदेमंद है। तो ये हो गई ब्रेकफास्ट की बात। ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले अगर आपको भूख लगती है तो आपको खाना है कोई भी एक फल।
जिसमें आप एक सेब खा सकते हैं, एक अमरूद खा सकते हैं, या फिर एक केला खा सकते हैं, या फिर आप एक अनार खा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक फल आप खा लीजिए। इसके अलावा अगर अंगूर अवेलेबल है आपके यहाँ पे, तो आप एक कटोरी अंगूर खा सकते हैं या 200 ग्राम पपीता खा सकते हैं। तो इस तरीके से डेली बदल बदल के आप कोई भी एक फल खा लीजिए। अगर फल आपके घर में अवेलेबल नहीं है या आसपास में नहीं मिल रहे हैं, तो आप फलों की जगह पे सलाद खा सकते हैं। खीरा खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, मूली इन दोनों बहुत अच्छी आ रही है तो मूली खाइए, बीटरूट खाइए। कहने का मतलब है आप कुछ भी खाइए, कुछ भी आप रॉ स्टफ आपको लेना है कोई भी, चाहे तो आप फल ले लीजिए या फिर आप सब्जियों का सलाद बना के ले लीजिए। तो ये आपको पेट भर के खा लेना है। अब आ जाते हैं लंच की तरफ। तो देखिए, लंच में अगर आप डेली चावल खाते हैं तो आप एक कटोरी चावल और दो कटोरी दाल खा सकते हैं, या फिर एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल और एक कटोरी सब्जी खा सकते हैं। अगर आप चावल स्किप कर सकते हैं तो आप चावल को स्किप करके इसकी जगह पे आप रोटी खा सकते हैं। तो आप क्वांटिटी में आप एक रोटी खा लीजिए, एक रोटी के साथ में दाल और सब्जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूखे रह गए हैं या एक कटोरी चावल कम है या इतना जो है अमाउंट कम है, तो आप चावल और रोटी का अमाउंट बिल्कुल मत बढ़ाइए, इसकी जगह पे आप सब्जियों का अमाउंट बढ़ा दीजिए। अगर आपने एक कटोरी सब्जी ली है फिर भी आप भूखे रह गए, तो आप एक कटोरी सब्जी और खा लीजिए। भूखा आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, खाना है लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए। और दूसरा कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें कार्ब्स को अपने कम करना है, ठीक है। जैसे कि चावल रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं कंपेरेटिवली, तो आप सब्जियों का अमाउंट बढ़ा दीजिए, सब्जियों को ज्यादा खाइए। लंच हो गया, अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स की तरफ। चाय तो हमने बंद कर रखी है, तो इवनिंग स्नैक्स में आप क्या ले सकते हैं। अगर मॉर्निंग स्नैक्स में आपने फ्रूट लिया है तो अभी आप सलाद ले सकते हैं, तभी अगर सलाद लिया है तो अभी आप फ्रूट ले सकते हैं, या फिर अगर आप इन दोनों ही चीजों को शाम को नहीं लेना चाहते तो आप 20 से 25 दाने मूंगफली के ले सकते हैं, या तो आप भुना हुआ चना ले सकते हैं। क्वांटिटी का अगेन आपको ध्यान रखना है, 4-5 चम्मच से ज्यादा मूंगफली या चना आपको नहीं लेना है। इसके अलावा या तो फिर आप एक ग्लास सत्तू का ड्रिंक पी सकते हैं, जिसमें आप 2 चम्मच सत्तू का इस्तेमाल कीजिए, ये चीजें ले सकते हैं। या फिर आप ड्राई रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, घी में नहीं तलने हैं आपको, सूखे आपको मखाने भून के आप वो ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स। अगर चाय कॉफी ही लेनी है तो प्लीज बिना शुगर का आप लीजिए। अगर आपको चीनी ना लेने से, मीठा ना खाने की वजह से आपको वीकनेस लग रही है, या आप काफी लो फील कर रहे हैं, सर दर्द आपको फील कर रहे हैं, एंजाइटी सा लग रहा है, अंदर से अजीब सा हो रहा है, तो आप इतने से अमाउंट में गुड़ खा सकते हैं। इतना सा अमाउंट मतलब इतना सा ही अमाउंट खाना है, फिर आपको ज्यादा मात्रा में गुड़ नहीं खाना है, थोड़ा सा आप गुड़ खा लीजिए, उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आपका जो ये लो आप फील कर रहे हो ये आपको नहीं होगा। अब आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, डिनर का प्लेट आपका सबसे छोटा होना चाहिए। तो डिनर में आप एक कटोरी मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, या फिर आप एक चिल्ला खा सकते हैं मूंग की दाल का। और अगर अलग से अपने लिए कुछ भी कुक नहीं करना चाहते हैं, तो घर में जो भी दाल सब्जी बनी है आप उसी को 1 या 2 कटोरी खा लीजिए, उससे ज्यादा अमाउंट में आपको नहीं खाना है। तो 1 कटोरी दाल या तो 1 कटोरी सब्जी, या फिर 1-1 कटोरी दाल और 1-1 कटोरी सब्जी आप खा सकते हैं डिनर में। रोटी और चावल दोनों ही पूरी तरीके से आपको डिनर में अवॉइड करने हैं अगले 7 दिनों के लिए। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आप जो भी खाना कुक कर रहे हैं उसमें एक तो ऑयल का इस्तेमाल आप मिनिमम कीजिए, जितने कम ऑयल में आप खाना बना सकते हैं उतने ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर 1 चम्मच जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है, इससे अगर आप 1 चम्मच घी या तेल में सब्जी बनाएंगे तो भी आपका टेस्ट अच्छा आएगा, टेस्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ उतने ही घी या तेल का इस्तेमाल करें जिसमें आप अपना जीरा चटका सके, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं डालना है। दूसरा नमक, नमक का भी अमाउंट जो है वो आपको थोड़ा सा कम रखना है, जितना अभी तक खा रहे थे उससे आप नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि नमक हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करके रखता है। नमक ज्यादा खाने की वजह से भी हमारी बॉडी ऐसे फूली फूली सी रहती है, पेट निकला हुआ रहता है, इस वजह से नमक का इस्तेमाल भी आपको कम करना होगा। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब हम फ्रेश होते हैं तो हमारा पेट एकदम फ्लैट हो जाता है, लेकिन शाम होते होते पेट फिर ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है। उसका एक कारण नमक का खाना भी है, क्योंकि रात भर तो हम नमक खाते नहीं है, लेकिन सुबह उठ के हम जैसे ही कुछ नमकीन चीजें खाना शुरू करते हैं तो नमक हमारी बॉडी में पानी को रोक के रखना शुरू कर देता है, जिससे हमारा पेट हमें निकला निकला महसूस होता है। तो ये कारण होता है, तो नमक को भी आपको कंट्रोल अमाउंट में लेना है। अब वापस आते हैं अपने डिनर की तरफ। तो डिनर आपने कर लिया, डिनर के बाद आपको सोने से पहले लेना है 1 कप ग्रीन टी। ये सोने से कम आप 15 से 20 मिनट पहले लीजिए। ग्रीन टी की जगह पे आप डिटॉक्स ड्रिंक भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी नहीं लेते हैं, नहीं लेना पसंद करते हैं, तो आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ 1 कप अच्छा गर्म पानी पी लीजिए। तो ये आपका पूरे दिन का हो गया डाइट प्लान। अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि सिर्फ डाइट फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में सबसे पहली और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है वॉक।
वॉक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने शरीर को ऐसे ढीला ढाला छोड़ के जस्ट चल रहे हैं, जस्ट स्टेप काउंट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होके चलना है, लंबे कदम रखने हैं और लंबी लंबी सांसें लेनी है, क्योंकि जब हम लंबी सांसें लेते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जिससे हमारा काफी तेजी के साथ में फैट बर्न होता है। आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के फैट को कम होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप लंबी सांसें लेते हैं, लंबी सांसें छोड़ते हैं, तो ये आपके फैट बर्न में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ लंबी लंबी सांसें लेंगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो डेली कम से कम आप 8 से 10 हजार स्टेप चलिए, इसी तरीके से तेज चल के आप चलिए, वो आप एज एक्सरसाइज कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक्सरसाइज ही करना चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो मेरे चैनल पे पूरा एक प्लेलिस्ट एक्सरसाइज एंड वर्कआउट का, मैं रेगुलर बेसिस पे उस पर एक्सरसाइज की वीडियो पोस्ट करते रहती हूँ, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप वो प्लेलिस्ट खोलिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप वर्कआउट फॉलो कीजिए। पूरे पूरे 15-20 मिनट के भी उसमें वीडियोस हैं, जिसको आप चलाइए और साथ में मेरे कीजिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा करें या कितनी देर करें, उसमें बिगिनर वर्कआउट का वीडियो मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अपलोड किया है, वो आप देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, उसको आप इजिली फॉलो भी कर पाएंगे। तो ये आपको फॉलो करना है कम से कम आधा घंटा, आप आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी तरीके की कीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जैसे मैंने बताया उस तरीके से वॉक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं सिर्फ 7 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी पर ड्रास्टिक चेंज आएगा, काफी तेजी के साथ में वजन भी कम होगा और आपकी बॉडी शेपअप भी बहुत अच्छे से होगी। आज मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, किसी भी फेस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।